सैमसंग के कुछ फोनों को और साथ ही साथ मोटोरोला के एक फोन को मिला है अपडेट। इसके अलावा रियलमी X7 का प्राइस हो गया है लीक। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, और ये थी कुछ हेडलाइंस जो हम कवर करने वाले हैं आज के न्यूज फटाफट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज फटाफट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी पहली स्टोरी आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का एक फोन था मोटोरोला वन मैक्रो, जो कि अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ था। आज कंपनी ने उसके लिए एक अपडेट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से उसको मिल गया है एंड्रॉइड 10 का अपडेट। इसकी वजह से लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे और जो एंड्रॉइड 10 के जो नए नए फीचर्स हैं वो भी इस फोन में मिल जाएंगे, क्योंकि ये फोन बेस्ड था एंड्रॉइड 9 पे। फ्रेंड्स, कल की न्यूज़ में हमने को बताया था सैमसंग गैलेक्सी F41 को मिल गया है One UI 3.0 का अपडेट, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पे। आज हमारे पास और नई लिस्ट आ गई है कि सैमसंग के और कौन कौन से डिवाइसेस को मिलने वाला है या मिल रहा है One UI 3.0, और ये डिवाइसेस है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट और साथ ही साथ M21। इन दोनों फोन को मिल रहा है One UI 3.0 अपडेट, और साथ ही साथ इसमें जो जनवरी 2021 का सिक्योरिटी अपडेट है वो भी मिल रहा है। Xiaomi भारत में जल्दी ही दो नए फोन लॉन्च कर सकता है। ये है Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro। इसमें से जो Note 10 Pro है उसको BIS की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। और फ्रेंड्स, यहां पर ये भी बता दें, जो Note 10 है वो दो वेरिएंट्स में आ सकता है। एक आपको 4GB प्लस 64GB का वेरिएंट मिलेगा, और जो दूसरा वेरिएंट होगा उसमें आपको 6GB प्लस 64GB यानी 64GB का मॉडल मिल जाएगा। और जो Note 10 Pro है वो आपको मिल सकता है तीन ऑप्शंस में, वो है 6 प्लस 64 साथ ही साथ 6 प्लस 128, और जो तीसरा होगा वो होगा 8 प्लस 128। तो फिलहाल फ्रेंड्स, बस अभी तक तो यही जानकारी है कि सर्टिफिकेशन क्लियर हो चुका है। इंतजार करते हैं जब लॉन्च होगा तो बाकी डिटेल्स ही पता लग जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है आईटेल के साथ। आईटेल तैयारी कर रहा है एक नया स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च करने का, और ये लॉन्च करेगा 1 फरवरी को। और जो ये स्मार्टफोन है इसका नाम है आईटेल A47, और यहाँ पर कंपनी का ये दावा है कि ये जो फोन है इसमें आपको बिगर बैटरी मिलेगी, बिगर डिस्प्ले मिलेगा और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मिलेगी। वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा ये सब दावे कितने सच हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी तक लीक हुई है उसके हिसाब से पता लग रहा है कि इस वाले फोन में 32GB इंटरनल मेमोरी होगी। रैम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और प्रोसेसर के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी तक की अगर हिस्ट्री देखें इंटेल की, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एक बजट स्मार्टफोन होगा और इसका प्राइस 10,000 रुपए से कम का होगा। फ्रेंड्स, हमारे पास Xiaomi से जुड़ी एक और न्यूज है। आज Xiaomi ने आज मी ईयर चार्ज अनवील कर दिया है। ये बेसिकली क्या है, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपको जो फोन है आपका ये डिवाइस है आपको किसी चार्जिंग प्लेट के ऊपर नहीं रख रहे हैं, बस जहां पर वो चार्जिंग का सोल्यूशन है उसके इर्द गिर्द आप होने चाहिए, तो आपका जो फोन है या डिवाइस जिसको भी आप वायरलेसली चार्ज करना चाहते हैं वो चार्ज हो जाएगा। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये कितना इसका वॉट होगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो आई है उसके मुताबिक ये पता लग रहा है कि ये जो चार्जिंग होगी 5 वॉट्स की होगी, और ये थोड़े 2-3 मीटर की डिस्टेंस तक अगर आप उस चार्जिंग सोल्यूशन के आगे पीछे हैं तो आपकी डिवाइस हो सकती है चार्ज। और फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लग रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इस चीज के बारे में बात कर रहे थे वायरलेस चार्जिंग के बारे में, जहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन Xiaomi ने यहां पर लीड ले ली है और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अनवील कर दिया है। अब देखते हैं जब ये एक्चुअली कंज्यूमर्स के हाथ में टेक्नोलॉजी आती है कितनी इफेक्टिव है, और देखते हैं कि बाकी और कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है रेफ्रिजरेटर्स के साथ। हायर ने आज भारतीय मार्केट में 14 नए वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं अपने डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स के, जिसमें 5-स्टार रेटिंग मिलती है और जो इनकी कैपेसिटी है वो है 195 लीटर्स। और अगर दाम की बात करें जितने वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, तो स्टार्टिंग प्राइस है इनका 22,800, और जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो प्राइस है वो है 28,600। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है मैसेजिंग ऐप के साथ, टू बी एग्जैक्ट टेलीग्राम से जुड़ी हुई है। टेलीग्राम ने आज एक नई फंक्शनैलिटी अपने ऐप में ला दी है, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पे जो भी चैट्स है इंडिविजुअल या ग्रुप उसका बैकअप ले सकते हैं और टेलीग्राम पे ला सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोग टेलीग्राम को यूज कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें काफी सूनापन नजर आ रहा था, क्योंकि जो भी उनके मेजर डिस्कशंस थे या चैट्स थे वो व्हाट्सएप पे होते थे और बार बार उन्हें व्हाट्सएप के मैसेजेस की तरफ रुख करना पड़ता था अगर कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए टेलीग्राम ने फंक्शनैलिटी लाई है, ताकि आप वहां से पूरी की पूरी चैट
यहां पर ला सकते हैं। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ये iOS में अवेलेबल होगा, और एक और अपडेट आई है कि ये फीचर एंड्रॉइड के लिए भी रिलीज कर दिया गया। अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया, अगर आपने इसको टेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ साथ ये बताइएगा क्या ये जो फंक्शनैलिटी टेलीग्राम ने लॉन्च की है आपको यूजफुल लगती है, अब आप थोड़ा टेलीग्राम ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि आई थिंक आप हम बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम थी यार, उधर तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पर नहीं है, बार बार देखना पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स कल की न्यूज में हमने को बताया था रियलमी X7 और X7 Pro 4 फरवरी को होने वाला है भारतीय मार्केट में लॉन्च, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही इस फोन के कुछ प्राइस लीक हो चुका है, और जो लीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक जो X7 है वो दो वेरिएंट में आने वाला है, एक में आपको 6GB रैम मिलेगा और साथ ही साथ 128GB की इंटरनल मेमोरी, और दूसरा वेरियंट होगा जिसमें आपको 8GB रैम मिलेगा और 128GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। और प्राइस की बात करें 6GB वाला वेरियंट का दाम 19,999 रुपए यानी 19,999 होने वाला है, और 8GB वाला जो वेरिएंट है उसका दाम 21,999 होने वाला है। वहीं अगर X7 Pro की बात कर ले तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका प्राइस लगभग 25,000 के आसपास होगा। आपको क्या लगता है जो प्राइसिंग जो लीक हुई है, अगर इस प्राइस पे एक्चुअली फोन लॉन्च होता है क्या इट विल बी ए गुड बाय और नॉट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स कुछ समय पहले हमने आपको एक न्यूज दी थी जहां पर हमने बोला था कि ऑनर ने डाइवोर्स दे दिया है हुआवी को, अब वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है, और साथ ही साथ एक और अपडेट दी थी हमने कि ऑनर ब्रांड ने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनने के बाद क्वालकॉम मीडियाटेक जैसी और इंटेल जैसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है जहां से उनसे वो चिपसेट्स लेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब एक और अपडेट आई है कि जो उनके CEO हैं, ग्लोबल CEO हैं ऑनर के, उनने ये कहा है कि आने वाले वक्त में हम गूगल सर्विसेज भी देंगे अपने फोन में, यानी कि वो जो बैन लगाता है वो हुआवी पे लगाता है, ऑनर पे नहीं लगाता। तो इस चीज का उन्होंने उल्लेख कर दिया है कि और जल्दी हम अपने जो फोन हैं वो ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च करेंगे। पहला फोकस तो चाइनीज मार्केट है जहां पर हम फोन लॉन्च करेंगे, लेकिन बाकी मार्केट में भी हम जल्दी लेकर आएंगे, और साथ ही साथ गूगल सर्विसेज भी होंगी उन फोन में। फ्रेंड्स बस इतना ही आज की न्यूज, फटाफट में आपको आज की न्यूज बुलेटिन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।